वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। साखी साधा नाल खरे सौदे दी चली, साध संगत अगे हथ जोड़ करके दास दी बेनती है। जिथे तुसी आप श्री गुरु नानक देव जी दी जन्म साखी श्रवण करके अपना जीवन सफला कर रहे हो, उथे नाल नाल अपने सखे संबंधियां ते रिश्तेदारां नूं इस जन्म साखी बारे जरूर दसो जी। एक दिन बाबा नानक जी अपने घर में बैठे थे, मस्ताने तौर पर ता मेहता कालू बाहरों आया सी। आयकर देखे नानक जी अपनी चाली छड़ी नहीं, मेहता कालू देख कर बड़ा रंज होया अते आख्यो उस हे पुत्र, तेरा धोखा मेनू खाए गया है, तू समझदा नहीं। ता गुरु नानक जी आख्या, हे पिता जी हुण सानू बख्शो जी, अगे जो कुछ तुसी मेनू आखोगे सोई मैं करांगा जी। ता कालू आख्या, तू कुछ वणज करिया कर। बाबे जी कहा, भला पिता जी। ता कालू कहया, नानक जी तू 20 रुपये ले जाओ ते कोई खरा सौदा खरीद ले आओ, जे एक वार खरा सौदा कर आवेगा ता फेर मैं तेनू बहुत रुपए दीवांगा। ता फेर गुरु नानक जी कहया, भला पिता जी तुसी आप देखोगे जो मैं कैसा सौदा करांगा। ता गुरु नानक जी नू 20 रुपए दित्ते। भाई बाले नू बुलाए कर कहया, सुन बाला तू सियाणा है, तू नानक जी दे संग जा, जिवें एह वणज करना सिखे तू इस दा संगी है। ता फेर नफर भाई बाले ने गुरु नानक जी दे बस्तर भी उठाए लीते अते रुपए भी लेके बाबे नानक जी दे संग चलिया। मेहता कालू नगर दे बाहर कितनी को दूर तक सिखिया देंदा नाल टुरिया गया। कहे पुत्र नानक, मेरे जीव दे जी तू सबो काम कार संभाल लवे ता मेरा जीव बहुत ठंडा होवे। तेरे जम्या ते मैनू ए भरोसा होया सी, जो जैसा मैं पदार्थ कमावदा हां मेरे थी ए बहुत कमावेगा, मेरा जस होवेगा, सो तू वणज करना सिखेगा, खत्रियां वाली चाली तू करेगा, बहुत सारा पदार्थ खट कर घर लियावेगा ता मेरा जीव ठंडा होवेगा, सो खरा सौदा करी। ऐसे सिखिया देकर कालू पछां मुड़िया। बाबा नानक जी अते भाई बाला सिधारे कालू बहुत मोह करके पिशाहां परत के वेखदा है ते घर नूं आया। बाले नूं गुरु नानक जी वार्ता सुनाम दे भगती वैराग ज्ञान नाल मिलियां होईयां सने सने चले जांदे हैं। 12 कोस पंध गए ता एक बन है, ओथे संत मंडली बैठी है, तपस्वी तफ करदे हैं, कोई खड़ियां बाहां करके बैठे हैं, कोई संत खड़े होए हैं, कोई पद्मासन लाई बैठे हैं, कोई तूणियां तपदे हैं, कोई सिद्धासन कर बैठे हैं, कई एक कुपीन पहरे होर कपड़ा त्याग बैठे हैं, दिगंबर एक जल विच बैठे हैं, एक पुस्तक पढ़दे हैं, एक मौन धारी बैठे हुए हैं, जिन्हां नूं परलोक दे सुखां दी चाह है, इस सुख त्याग के किनारा कर एकांत बैठे हुए हैं। सर्ब संत मंडली विच एक महंत जी बैठे हैं, मृगशाला जिन्हां दे हेठ बिशी है, ब्रिश की तूचा जिन्हां की कुपीन है, सिर पर जटाओं का मुकुट है और हृदय में जिनके जगदीश का ध्यान है। एक साधु पास पुस्तक पढ़ रहा है। इस संत सभा को देखकर बाबा नानक जी खड़े होकर देखन लगे और भाई बाले प्रति बाबा नानक जी कहया, हे बाला इस खरे सौदे नालों होर कोई सौदा चंगा नहीं, इस अमोल सौदे नूं नहीं छड़ सकदा, पिता जी दी आज्ञा भी खरे सौदे दी है, सो इस तों चंगा वणज होर कौन है। ए रुपए इकनों
चढ़ावते हैं, सो भोजन बस्तर करके एह खुशी होवेंगे। एह बचन बाबे दे सुन के बाले आख्या, महाराज महते कालू दा डर है, उसने वणज करने वास्ते तुहानू रुपए दित्ते हन, अते सुभाव दा भी कठोर है, सो तुसी जानो मैं आप दा अनुसारी हां, जो तुसी ही महते कालू नू समझ लेना, मेरे नाल ना कोई झगड़ा झगड़े, मैं आप दा अनुसारी हां, अग्गे भी अते हुण भी जिस तरह आग्या दिंदे हो मैं उसे तरह करांगा। इतना कह 20 रुपए भाई बाले ने नानक जी दे हाथ दित्ते। 100 रुपए लेकर गुरु जी संता के पास जाए बैठे, और कोमल बाणी से पहले नमस्कार करी। करुणा निधान गुरु जी ने पूछया, संत जी आप बस्तर नहीं पहनते? हाथ नहीं आमदा कि पहनते ही नहीं, रात दिन तुप पाला सर्दी गर्मी सहारते हो, बरखा पड़ती दिगंबर ही रहते हो, आपदा शरीर दिव्य ज्योत है, पसम लगाए रखी है। इतना सुनकर संत ने कहया, हे पाई हम निर्वाण साध हैं, बस्त्र का संयम ही रखना चाहिदा है, अर तेनू क्या प्रयोजन है पूछने का? ता बाले कहया, नानक जी तू चल के सौदा खरीद, जो कुछ कालू ने कहया है। ता नानक जी आख्या, बाला मैनू पिता ने खरा सौदा खरीदना आख्या है, बाला तू भी मसलत खरे सौदे खरीदन दी दे, मैं खरा सौदा करा। ता बाले कहया, मैं क्या आखदा हां, तू पुत्र है ते ओ पिता है। ता फेर गुरु नानक जी आख्या, संत जी तुम बस्तर नहीं पहनते तो भोजन भी नहीं करदे होवोगे? ता फेर महंत ने कहा, अरे बालक जो परमेश्वर भेजता है सो हम खाए लेते हैं, हम तो उदासी हैं, इस वास्ते हम उद्यान में बसते हैं, बस्ती में नहीं बसते। तो गुरु नानक जी ने कहा कि आपका नाम क्या है? संत ने कहा, नाम हमारा संत रेन है। सुनकर नानक जी बड़े प्रसन्न हुए और कहे, ने बाला एक खरा सौदा मैं नहीं छड़ सकता, एक खरा सौदा है, इसमें तोटा नहीं वादा ही है। ता बाले कहया, नानक जी तुसी जानो अते कालू जाने, अते मैं की जाना एक खरा सौदा है या खोटा है। गुरु नानक जी 20 रुपए लेके बाले पासो महंत दे अग्गे रखे। ता महंत ने आख्या, अरे बालके 20 रुपए हमारे किसी काम नहीं, तुझको बाप ने व्यापार के लिए दिए हैं, अते तू फकीरों को क्यों देता है? तेरी अवस्था छोटी है, अते तेरा व्यवहार पिता दे अधीन है, सो बाप ने तेरे को किसी काम के वास्ते भेजा है, तू रुपए फकीरा नु देंदा है। ता नानक जी कहया, सुनो संत जी मैनू पिता ने खरा सौदा करने भेजा है, सो ए खरा सौदा है, होर सौदे खोटे हन। ता महंत ने कहया, हे लड़के तेरा नाम क्या है और तू हुंदा कौन है? ता नानक जी कहया, मेरा नाम तो नानक निरंकारी है, अति कालू खत्री दा पुत्र हां। ता महंत बोलिया, अरे बालक ए क्या नानक निरंकारी अति कालू खत्री का बेटा क्या? ता गुरु नानक जी कहया, हे महंत जी पहले सतयुग विच निरंकार जी की भक्ति करी थी, सो भक्ति सो हमारी पूरी नहीं हुई थी, त्रेते युग में और द्वापर युग में निरंकार जी दी भक्ति करी थी, सो संपूर्ण हुई, तद भी हम निरंकार थे, अब भी निरंकार हैं। तो महंत ने कहा, अरे बालके कुछ मांग। ता गुरु जी कहया, मैं क्या मांगूं, एक निरंकार ही मांगता हूँ। महंत ने कहया, हे बालके तू तो आप ही निरंकार हुए रहया है, हम तुझको क्या देव हैं, पर एह काम कर, एह रुपए हमारे काम नहीं,
इनका सीधा तुम जाए कर ले आए देवो, जो एह अतीत भोजन बनाए कर खावेंगे। तब गुरु नानक जी रुपये लेकर एक नगरी में गए, आटा चावल खंड क्यों दुग्ध बर्तन सब कुछ लेकर संता दे पास ले आए कर रख दिए और मथा टेकया। महंत बोलिया, हे नानक जी, तुम आप निरंकार रूप हो, निरंकार ही नानक रूप तारिया है, असा ने अच्छी तरह खोज देखा है। सत व्रत इन अतीतों के बीत गए हन, सत दिन भुखिया लंघ गए हन, ते शांत रूप नानक जी अब तुम जावो, ता गुरु नानक जी मत्था टेकया और बाले को साथ लेकर उठ चले। जब बाबा जी उठ गए ता उस महंत नू एक अतीत ने आके पुछया, जो महंत जी इस बालके को तुमने उठाए क्यों दिया, उसने तुम्हारी सेवा करनी सी। ता महंत ने कहया, सुनो अतीत जी, ओ आप निरंकार था और हमारी खबर के वास्ते आया सी, निरंकार जी ने भेजा था, हम तो अपना सीधा लेना था और सेवा नहीं करानी थी, उसका तेज हमारे से सहारिया नहीं जाता था, इस वास्ते हमने उसनु विदा दई है। अते गुरु नानक जी उन्हा साधुआ कोलों उठकर जा दो तीन कोस ते आए, ता गुरु नानक जी बाले नु पुछन लगे, हे भाई बाला, असा क्या कीता? ता बाले आख्या, सुन नानक जी, मैं कुछ रुपए खाए नहीं लीते, तुसा मंगे सो मैं तुहानु कट दिते है सन। ता गुरु नानक जी कहया, भाई बाला, असी भुले क्यों? ता बाले आख्या, हे नानक जी, तू जान जे भुला है, ता तू जान जे नहीं भुला, ता तू जान जैसे अलड़ तुसी हो तैसा अलड़ मैं हां, अगे कालू जाने या तुसी जानो। ऐसी बातां करदे करदे तलवंडी के निकट पहुंचे, ता नानक जी डरदे पिता पासों गांव में ना वड़े। एक तला सी, पानी उसमें नहीं था, वहां बैठ रहे अर बाला अपने घर आए वड़िया, ते गुरु नानक जी घर आए ही नहीं बाहर ही रहे। ता कालू नु खबर होई, जो बाला अपने घर आए वड़िया है ते नानक जी नहीं आया। ता कालू ने नफर भेज के बाले नु बुलाया, ता बाला कालू जी दा फरमान सुनकर घर थी आया। जब पास गया ता कालू ने पुछया, आवो बाला, नानक जी किथे है अते रुपए किथे है ने, अते किते रुस रहा है अर व्यापार विच लगा रहा है? ता बाले ने बैठ कर आख्या, हे मेहता जी, नानक जी 12 को पेंडा जद गए ता एक बन आया, एक संत मंडली वहां उतरी हुई थी, तिना नु देख जांदियां जांदियां खड़े होए गए अते रुपए मैथों लेके उना फकीरा नु खवाए दिते हैं। ता कालू ने आख्या, अरे बाला, मैं जो तेनु नानक दे नाल भेजा सो इस वास्ते भेजा सी, जो रुपए फकीरा को खवाए आवे। ता बाले ने आख्या, हे मेहता जी, तै जो नानक नु खरा सौदा करन वास्ते आख्या सी, जो तू खरा सौदा करी सो नानक जी ने खरा सौदा कीता है, पावे कूक पावे नहीं कूक। ता कालू आख्या, हे बाला, तू मैनू दस ता सही, जो नानक हुन किथे है? ता पाई बाले अते कालू नानक जी नु ढूंढन वास्ते चले, अते माता तृप्ता जी सुनकर वड्डी शोक आतर होए अर पछतावने लगी, अते नानक जी दे ढूंढन वास्ते होर नफरा नु दौड़ाया अते नानकी जी नु भेजया अर कहया, हे बीबी, तेरे पिता को वड्डा क्रोध होए रहा है, देख किते नानक जी को कुछ दुख ना देवे। ता अगे कालू ते पाई बाला चले जांदे से, तलवंडी दे बाहर जहां श्री गुरु नानक जी बैठे थे, कालू नु नाल लेके जाए वखाया। ता कालू ने जाए कर देखया, बड़ा क्रोध आया, पकड़ लेता अते पुछया,
आवो नानक वीर पै जो तेनु दिते सन सो किथे है नी। ता गुरु नानक जी नु दे तमाचे सज्जे हाथ दे खबी गल उपर मारे ते सज्जी गल ते दो तमाचे खबे हाथ दे मारे। इतने नु बीबी नानकी जी पहुंची ते पिता दे अगे मत्था टेकया ते मुख ते कहया हे पिता जी अब बख्शिए नानक दियां गल्लां ते नील पै गए। पर गुरु नानक जी बोलिया नाही नेत्रां तो जल वगिया जावे। ता एक आदमी ने राय बुलार नू जा कहया हे राय जी कालू पटवारी ने पुत्र नू डाढ़ी मार मारी है ते नानकी ने मत्था टेक के छुड़ाया है। ए सुन राय ने आदमी भेज के महते कालू नू सद्या ता आदमी आके कहया हे कालू राय बुलाउंदा है ते गुरु नानक नू भी नाल लै। ता अगों कहया सुन पाई मैं क्या करा इस पुत्र ने मैनू चौड़ कर छड्या पट छड्या। सो ता राय दे आदमी कहया कालू उथे चल। ता बाबा नानक जी ते कालू राय बुलार दे पास पहुंचे। ता राय बुलार देख दिया ही गुरु नानक जी ते कालू नू बैराग छुट गया ते नानक जी नू राय ने बगल विच लीता ते मत्था चम्योस ते कालू नू देख के बड़ा क्रोध आया ते कहयो सुन कालू मैं तेनू कहया सी जो तू नानक जी नू बुरा ना बोली ते तू नानक जी नू अजे ही मार मारी है देख के लोग त्रास त्रास कर दे ते दुखी हुंदे हन। सुन कालो ना तेनू मेरे कहे दा डर है ते ना परमेश्वर दा अते ना तेनू पुत्र दा मोह होया जो मेरे कर इको पुत्र है। कालू तू वड्डा राक्षस है तेरे घर दे लायक गुरु नानक नहीं मैं क्या करा जे इसनु मैं अपने घर विच रख सकदा तू इस दी अवज्ञा जितनी करदा है सो हच्छी नहीं करदा इसनु जितना त्रास देंदा है बहुत बुरा करदा है ए सारे दोष मैनू लगदे हन। ए कला वाला लोक है परमेश्वर दा वली है। राय दी अखियां ते जल टुरिया जावे ते बैराग थमिए नाही। बाबा जी दे मोह करके कंठ राय दा गदगद हो गया अते कालू ते सख्त सुभा करके राय दा तन क्रोध करके थर थर कांपता है ते कहा सुन कालू अज तीकर मैं तेनु कदी खोटा बचन नहीं कहा ते अज मैं तेनु आखदा हां सुन तू की काम कीता नानक नू ऐसी मार मारनी आही जो उस दे मुंह ते ऐसे दाग पा दित्ते नी। तू बड़ा जलाद है वड्डा कठोर है। ता कालू डर के लगा आखन राय जी मैं क्या करा तुसी जद कद मेरे नाल ही लड़दे हो मैं इसनू बथेरा सिखा समझा रहा हां कि नानक तू मेरे कर इको एक पुत्र है सियाना है मैं वीर पै इसनु दित्ते ते नफर इस नाल बाला दित्ता। सो बाला आखन लगा मेहता जी नानक जांदियां ही रुपए फकीरां नू दे दित्ते। सो जिस दिन दा एह जन्मिया है ते होश संभाली कई वारी इस घर उजाड़िया है फिर रुपए ता दित्ते बाहर जंगल विच जिथे पानी पी नहीं मिलदा ओथे लुक बैठा। बाले अर घर आए नू पुछया ता इसने दस्या है। ए सुन के राय बुलार ने बाले नू सद पुछया सब हकीकत ज्यों बीती सी राय को सुनाई। ता राय कालू नू कहया सुन कालू तेरी प्रारब्ध खोटी है तू इस नानक दी कदर नहीं जानदा जो किसे पास पारस होवे ता वो पत्थर जान के सुट देवे ते कौडियां दे मगर फिरे जिद्दां किसे अनजान नू जवाहर मिले ओ उस दी सार नहीं जानदा इसी ते कंगाल है ते मैं क्या करा मेरा तन मुसलमान है ए हिंदू है इस अयोगता करके मैं कुछ कर नहीं सकदा ते कालू तेनू धन दी तृष्णा है
जो इना दे शरीर दा खर्च है तू मेरे घर ते ले लिया कर। इतना कह राय बुलार दा नौकर जिस दा नाम उमेदा है सी, तिसनु राय ने आख्या जावो उमेदा तू मेरे घर तो 20 रुपए कालू नू लिया दे। ता ओ उमेदा राय बुलार दी राणी जिस दी जात खोखरा सी, तिस पासों रुपए 20 जाए मंगे, राणी खोखरा रुपए दिते, नौकर ने ले आंदे, कालू दे हाथ दिते, कालू ले नहीं ते राय मोड़े नहीं। राय बुलार ने कहा मैं क्या करा जो मेरे घर गुरु नानक जी रह नहीं सकता, नहीं ता मैं अपने घर ही रखा ते हुण तेरे घर रख दे हां। अज कल किथाउ असी नानक जी नू सौंप देंदे आहे ता कालू रुपए लवे नहीं। अते कालू कहे राय जी ए रुपए किस दे, असी किस दे, ते नानक किस दा है, ए सब कुछ आप दा ही है, मैं रुपया नू नहीं चूरदा। राय ने कहा कालू जो कुछ तू करदा है सो पला ही करदा है, पर तू रुपए ले जितना चिर नानक जी आवना सियाना है तितना चिर नानक जी दी खिदमत असी करांगे, ता फेर कालू रुपए देवे ते राय जी लवे नाही। ता उमेदे कहा कालू रुपए ले ते राय जी दा आख्या फेर नाही। ता कालू ने रुपए ले लीते ते रुपए लेके कालू हैरान हो रहा। राय ने कहा कालू आज थी लेकर नानक जी नू पोशाकां भी असी बनाई देवांगे, खर्च भी इस दा साढ़े करों लीता कर, तू माया दे लोभ कर, ऐसे सत धर्म वाले नानक परमेश्वर दे प्यारे नू नालायक ना कहीं। जितना तेरे घर दा दर्ब नानक गवाया है सो हिसाब करके सब मेरे कोलों ले ले। राय देवे ते कालू लवे नाही। बारंबार राय बुलार ए ही आख्या कालू तेरे पुत्र ने जगत दे बंधना को हटावने वास्ते मनुख देह तारी है, एह तेरा पुत्र ता संत है, इस नू वेखी कदी चिड़क दो। ता कालू बड़ा लज्जत हो गया, अपने घर आया, तलवंडी दे जितने लोग खत्री ब्राह्मण हिंदू तुर्क आहे अर जाट बूट सो सब कालू नू बुरा बुरा आखन लगे, कोई साला है नाही। ते कहन लगे देखो पाई पहलो ता कालू ने ऐसा निर्दयी होके पुत्र नू मारिया है, चंडाल दी तरह मार पुत्र नू कीती है सु, दूजा राय बुलार पासों रुपए पी लेते हैं। ता फिर अगले दिन कालू राय बुलार पास आया अते आयकर राय बुलार दे पैरां पर टह पया अते आख्यो उस राय जी मेरी जगह ते होर कोई नहीं, ए रुपए तुसी अपने फेर लवो जी। ता राय बुलार ने कहा हे कालू ए रुपए असा तेनू नहीं दिते, असा गुरु नानक जी दे रुपए देवने आहे सो असा ने दिते हन, फिर असी तेरे पासों रुपए केहे लईए। ता कालू ने कहा हे राय जी नानक दे पास रुपए किथों आहे जो तुसा उस पासों उधार लीते आहे। ता राय बुलार ने कहा कालू तेनू इस बात दी खबर कोई नाही, जितनी माया इस जहान उपर दुनिया विच है सब ऐसे दी है, सब दौलत दुनिया दा ए मालक है, जितने मेरे घर विच सुख हन घोड़े रथ दौलत हुक्म ए सब नानक जी दा ही सदका है, मैं इस दा ही दित्ता खांदा हां। असी छोड़ के हे कालू संसार सारा ही इस दा दित्ता खांदा है। इस बात नू सुनकर लोक सब जेड़े बैठे सन उन्हां दी निशा होई। तब कालू घर को आया बोलो पाए जी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु।